हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो कि आने वाली हमारी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जी हाँ, आप लोग उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कुल कितने बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। जी हाँ, आपको बताना है कितने बैंकों को के विलय को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। जी हाँ, आप चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सही है, इसमें करेक्ट है। जी हाँ, कुल 3 बैंकों के विलय को कैबिनेट ने अभी हाल ही में मंजूरी दी थी है। उसमें से आपका 3 बैंक है, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा, जी हाँ, सेकेंड यानी सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ, पहला राज्य कौन सा जिसने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है, कमेंट करके बताइए आप लोग। जी हाँ, इसमें आप ऑप्शन जो है सी सही है, गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने सबसे पहले 10% आरक्षण जो है सवर्णों को नौकरियों में और भी जगहों पे देने का विधेयक पारित किया है। दूसरे स्थान पर झारखंड। तीसरा प्रश्न है, एक एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जी हाँ, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू है आपको कमेंट करके बताना है। इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने अभी हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें जिस भी घर या परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, यानी कि तीसरे का हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे है चौथा प्रश्न, किस भारतीय नागरिक को हाल ही में फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया। ऑप्शन इसमें आपके 4 दिए गए हैं, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को हाल ही में पहला फिलिप कोटलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यह पांचवा प्रश्न है, 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, काफी महत्वपूर्ण है ये, गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को बताना कि कौन सा इसमें से सही है। चलिए आप लोगों को बताता हूँ, इसमें से ऑप्शन सी सही है, यूहेई ससाकावा। ये WHO के सद्भावना दूत भी हैं, इन्हें हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2018 का जो है इससे सम्मानित किया गया है। और 2014 में जब गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था तो वो इसरो को प्रदान किया गया था 2014 के लिए। छठवां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है। महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, बेंगलोर, दिल्ली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है पहला सही है, जी हाँ, IIT हैदराबाद ने अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की है। सातवां प्रश्न है, 2020 हेतु विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। जी हाँ, 2020 हेतु विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किस शहर को, जी हाँ, ये घोषित किया गया है, ब्राजील की राजधानी रियो डियो जेनेरियो को घोषित किया गया है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, यहीं पे अभी पिछले बार जो ओलंपिक गेम्स हुआ था 2016 का, वो उसका आयोजन भी रियो में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। जी हाँ, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि किस शहर में किया गया है और इसकी थीम क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है उत्तर प्रदेश के। इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी में 21 से 23 जनवरी के बीच 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, और इसकी इस बार की थीम क्या थी। इसकी थीम थी, इस बार की विषय था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न है,
आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? जी हाँ, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये खिताब प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि 2018 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया, किस खिलाड़ी को। इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, विराट कोहली। विराट कोहली को अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और उसके बाद वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, ये तीनों खिताब पाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं विराट कोहली, जिन्होंने तीनों पुरस्कार एक साल में इनको प्रदान किया गया है। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी को तीनों पुरस्कार, इसमें तीनों पुरस्कार में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर और उसके बाद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इन्हें तीनों पुरस्कार मिला है। आगे है 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। अभी इस बार मतदान होने वाला भी है हमारा, लोकसभा चुनाव होने वाला, आप लोग इसमें से बताइए कौन सा सही है। 22 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी, 25 जनवरी। चलिए आप लोगों को बताता हूँ, इसमें से ऑप्शन डी सही है, 25 जनवरी। जी हाँ, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम भी इम्पोर्टेंट कि इसका विषय क्या था। जी हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 का विषय क्या था, ये पूछा जा सकता है आपकी पीसीएस या भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विस की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 का जो थीम था वो था नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए, इसकी थीम थी। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें 2018 में भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? जी हाँ, चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आप लोग को ध्यान से देखना है कि किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन दिया गया है आपका चार, उसमें से आपको चूज करके बताना है कि इसमें से किसे प्रदान नहीं किया गया, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, बाकी तीनों ए सी और डी ऑप्शन जो दिए गए हैं इन्हें 2018 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिस यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा आगामी परीक्षाओं में। 12वां प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता? जी हाँ, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन होता है और उसके बाद लास्ट में होता है यूएस ओपन। उसमें से पहला जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो अभी हाल ही में खेला गया था जनवरी माह में। तो उसमें पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, ये जीता है नोवाक जोकोविक ने जीता है, और महिला वर्ग में जीता है नाओमी ओसाका ने जीता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है, देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, जी हाँ देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म विभूषण, से किसे सम्मानित नहीं किया गया? जी हाँ, इस बार कुल चार लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो 112 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इस बार। तो इसमें ऑप्शन है, प्रश्न है कि दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण किसे सम्मानित नहीं किया गया है, आप लोगों को इसमें बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन जो हमारा सी सही है, नंबी नारायण। जी हाँ, नंबी नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो पद्म विभूषण होता है, जी हाँ भारत रत्न के बाद। तो बाकी तीन लोग ए बी और डी ऑप्शन है, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, और नंबी नारायण जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, इंडोनेशिया मास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जी हाँ, अभी हाल ही में उन्होंने खिताब जीता है, उसमें से ऑप्शन बी सही है। जी हाँ, साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है, क्योंकि अभी तक किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने ये खिताब नहीं जीता था, इंडोनेशिया मास्टर खिताब। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है? जी हाँ, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है, आप लोगों को बताना है कि इसमें कितनी रैंकिंग। जी हाँ, भारत की रैंकिंग है 78, ऑप्शन डी सही है इसमें। और 2017 में जो भारत की रैंक थी वो थी 81। जी हाँ, ये रिपोर्ट जारी की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा, ये रिपोर्ट जारी की जाती है प्रतिवर्ष। इस बार भारत 3 अंकों का भारत को सुधार हुआ है, भारत 78वीं रैंक पे आ गया है भ्रष्टाचार में, यानी कि भारत में भ्रष्टाचार देखा जाए तो इस रैंक के मुताबिक कम हुआ है भारत में। 16वां प्रश्न है,
स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? 2019 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, आप लोग को पता भी होगा। जी हाँ, इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, इंदौर। इंदौर को लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड प्रदान किया गया और दूसरे स्थान पर है अंबिकापुर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर है दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर इंदौर है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? जी हाँ, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस फिल्म को 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ग्रीन बुक। जी हाँ, ग्रीन बुक को हाल ही में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर 2019 अवार्ड मिला है इसे। और इसमें आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने मिला है? जी हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ओलिविया कोलमैन को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रामी मलेक को मिला है। ये तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ऑस्कर अवार्ड से संबंधित प्रश्न अगर बनेंगे तो इसी तरह से बनेंगे। 18वां प्रश्न है, किस देश को पछाड़कर भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक स्टील उत्पादक देश बन गया है? जी हाँ, भारत ने अभी हाल ही में, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, डी। जी हाँ, भारत ने अभी हाल ही में जापान को पछाड़ करके दुनिया का सर्वाधिक स्टील उत्पादक, दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्टील उत्पादक देश बन गया है। पहले स्थान पर जो है, पहली रैंक पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत हो गया है इस समय। काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी है। इंटरनेशनल स्टील एसोसिएशन की ये रिपोर्ट जारी की गई है अभी हाल ही में, उसमें बताया गया है कि भारत जापान को पछाड़ करके दूसरा सर्वाधिक स्टील उत्पादक देश बन गया है। 19वां प्रश्न है, डेन डेविड पुरस्कार 2019 में डेन डेविड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, किस भारतीय को प्रदान किया गया? इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, संजय सूरमणियम को प्रदान किया गया है। ये इसराइल सरकार द्वारा प्रदान दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये इन्हें ये पुरस्कार संजय सूरमणियम को ये पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भारतीय हैं तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो भी जाता है। और ये यूपीपीसीएस में एक बार 2017 में यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था डेन डेविड पुरस्कार 2017 का किसे प्रदान किया गया, तो उस बार भी भारतीय को ही प्रदान किया गया था, तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है 20वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, IMBEX 2019। जी हाँ, IMBEX 2019 भारत और किस देश के मध्य युद्धाभ्यास है? जी हाँ, IMBEX 2019 किन किन देशों के मध्य अभ्यास है? जी हाँ, ये अभ्यास है भारत और म्यांमार। जी हाँ, भारत और म्यांमार के मध्य ये युद्ध अभ्यास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया हो मेरे वीडियो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।